मैंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी, जिन्होंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी। एक समय की बात है, हमारे यहाँ एक सेवानिवृत्त कर्नल थे जो कि गांव के सरपंच भी थे। उनका नाम था सैंसोन ऑफ एलेक्सी क्रिस्टेंटोविच, एक योद्धा जिनकी छाती पदक इनामों से भरी थी। उनके पास सब था, एक खिताब, एक पद और एक घर जैसे कि कोई महल। गांव वालों की इज्जत भी। उनके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी और वो था एक बच्चा। उनकी बीवी मारिया डेफिनोफना इसे लेकर बहुत दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन एक भविष्य बताने वाली ने उन्हें बताया कि डॉन नदी में एक जादुई मछली है, जो भी उस मछली को खाता है उसका एक बच्चा हो जाता है। अगर वो बच्चा लड़का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे तीसरे दूल्हे के साथ ही शादी करनी होगी, वरना परेशान होगी। मारिया ने बेशक अपने पति के कान भरे और उस मछली को मंगाया। कर्नल ने अपने सोल्जर्स को मछुआरे के पास भेजा। उन्होंने वहां से एक छोटा रास्ता पकड़ा ताकि मछली खराब ना हो, पर वहां एक खराब जगह थी, एक शैतानी जगह। सब सही रहा। गांव के किनारे एक विधवा रहती थी, उसे बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए जाना जाता था। सोल्जर्स ने मछली उस औरत को दे दी। उस औरत ने मछली को बड़ी ही शानदार तरीके से पकाया। मछली बहुत ही अच्छी थी, उसे कौन नहीं चखना चाहेगा। मछली काफी लाजवाब थी। मारिया को अगले दिन एक लड़की हुई। कर्नल से इंतजार नहीं हो रहा था, तभी उसी वक्त उसकी बच्ची को वहां लाया गया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कर्नल भूल ही गया कि उसे वारिस चाहिए था। भविष्य बताने वाले ने क्या बोला था ये किसी को याद ही नहीं रहा। उस विधवा खाना बनाने वाली को भी एक बच्चा हुआ, एक लड़का। यहाँ तक कि वो बिल्ली जिसने उस मछली की हड्डियां खाई थी उसे भी एक असाधारण बच्चा हुआ। कर्नल और उसकी बीवी अपनी बेटी लिजावेटा अलेक्सीवना से बहुत ही प्यार करते थे। उनकी बेटी के चारों ओर दाई, नानी और शासन रहते थे। सबसे अव्वल अध्यापक ने उसे व्यवहार, गान, नाचना और फ्रेंच सिखाई। महानता इसका नाम है और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत बनी। विधवा ने अपने बेटे सत्योपका को अपने चचेरे भाई लोहार के पास भेजा। लड़का होशियार था और व्यापार में लग गया और जल्द ही लोहार बन गया और बिल्ली को अपना सहायक बना लिया। एक दिन कर्नल की बेटी ने उस खूबसूरत लोहार को देखा। जैसे ही उसने पहली नजर से उसे देखा और उसको उससे प्यार हो गया। एक युवा ने उसे आकर्षित किया, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया और एक विदेशी नवाब को निराशा मिली। लेकिन उस लड़की को तो सिर्फ लोहार ही चाहिए था। फिर एक दिन लीसा का जन्मदिन आया और क्या आप मानोगे जो हुआ। वो तीसरा दूल्हा वहां आया और उसे आकर्षित करने लगा। Thank you.
दैत्यों ने पूरे गांव से अपना बदला लिया। अगली सुबह रात से भी कहीं ज्यादा काली थी, इसीलिए कर्नल ने सभी गांव वालों को प्रलय के लिए इकट्ठा किया। गांव में अफरा तफरी का माहौल था, सब लोग बहुत ही घबराए हुए थे। उसी समय जनरल कुरोपत्किन वहां जांच के लिए आए। वो उस नजारे को देख के मानो कि चौंक गए हो। तभी उन्होंने गांव में रुकने का सोचा। ये सब क्या हो रहा है अलेक्जेंडर क्रेसेंटोविच? हर जगह एक उगता सूरज है और यहीं पर एक काली सी रात। इन दैत्यों ने सारी रोशनी चुरा ली है। दैत्य हो या जो भी हो, यहाँ पर एक क्राइम होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। मैं आप लोगों को इनाम में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। तो बताओ फिर कौन लड़ेगा? मैं जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो क्या वो लड़की उस काबिल है? ये है मेरी लिसांका। ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा पानी दो। नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा और ज्यादा। हमारी रोशनी वापस करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पुल दोनों को तोड़ के रख दूंगा। नहीं दूंगा, चलो आओ लड़ते हैं। ठीक है, तो फिर चलो, तुम आग हो और मैं पानी हूँ, देखते हैं कौन जीतेगा। पर मेरा पुल कौन तोड़ रहा है? मैं लोहार हूँ, अभी के अभी तारे वापस करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ठंड रखो मेरे भाई, यहाँ पहले से ही एक गर्म है। तुम पत्थर में बदल जाओ और पहाड़ से जाके लुढ़क जाओ। अगर मैं गिरा तो तुम जीत गए, और अगर मैं जीता तो फिर तारे मेरे होंगे। मैं लोहार हूँ और मैं सूरज के लिए आया हूँ, मुझे लौटा दो वापस। नहीं, ऐसा नहीं दूंगा, पहले मेरे से लड़ना होगा। अरे पागल हो क्या? मैंने अभी तुम्हारे जैसे दो का मुकाबला किया है, चलो देखते हैं तुम मुझसे तेज सीटी बजा सकते हो। वाह, क्या सीटी बजाई है। चलो अब मेरी बारी, और तुम आंखें बंद कर लो वरना वो निकल के बाहर गिर जाएगी। तो ये लो मेरी सीटी। अच्छा अब ये लो एक और। ए, सीटी बजाना तूने किधर से सीखा रे? बस इसी तरह। सूरज के साथ हर चीज बेहतर है। बहुत अच्छे, हमारे लोहार लेके आए हमारा सूरज, अब कर दी तुमने तो हमारी रातें ही रंगीन। लेके आया हमारा लोहार
और हमारा सूरज चांद, अब हम मिलकर करेंगे उसकी जय जयकार। ये तो है हमारा न्यारा दुलारा सालोहार, लेके आया हमारा सूरज चांद जो देखो आया ये। नायक महानायक दामाद। स्टॉप पुष्का। जहाँ शादी थी वो मेहमान डॉन नदी के आसपास हर जगह से आए थे, यहाँ तक कि जनरल कुरुपत्किन भी आए थे। दुल्हन को किस करो। स्टीफन की माँ भी वहाँ थी, बेशक उनके भाई बहन, दूसरे राजकुमार और नवाब भी वहाँ आए थे। आम जनता और बाकी सब लोग वहाँ पर थे, यहाँ तक कि मेरे दादाजी के दादाजी भी वहाँ पर थे। सारा शहद और शराब पी गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। स्टीफन और लीजा वीटा सबकी दुआओं से बहुत खुश रहे, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने एक दैत्य को एक नौकर के तौर पर रखा ताकि नियम बने रहे। कभी कभी नर्क भी लोगों को डराने के काम नहीं आता। एक तूफानी रात को जब इसके घर के मालिक ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। अरे कौन है वो? क्या मौसम है, एक शब्द में कहूँ तो मूसलाधार बारिश। ओ, और भी बुरा होगा जब सर्दी आएगी ना, तो हालत खराब हो जाएगी। तो फिर चलो साथ में रहते हैं ना, मैं और ये खरगोश 2 साल से साथ में है। पक्के साथी। अगर हम तीनों साथ रहेंगे तो सर्दी का वक्त अच्छा कटेगा। हाँ, हाँ, बड़े आराम से। हालांकि घर बनाएंगे तो अच्छा होगा। घर बनाना अच्छा होगा लेकिन सिर्फ हम पता नहीं कैसे। इस तरह वो एक दूसरे को समझ रहे थे। लगता है मुर्गे के बांग देने से पहले बारिश खत्म नहीं होगी। अरे बाप रे। तुम जंगल में हो बेशक, लेकिन तुम यार कैसे आ गए? मैं तो घूम रहा था, मैं दक्षिण की ओर जा रहा था। मैं एक किसान की संपत्ति होने के कारण थक गया हूँ। वो मेरा सूप बनाने जा रहा है, उसके बारे में सोच के हिचकी आती है। एक बात कहूँ, तुम सर्दियों में हमारे साथ क्यों नहीं रहते? और शायद तुम जानते हो कि घर कैसे बनाते हैं। क्या? एक घर बनाना ये तो बहुत आसान है, अंडे जैसा। और इसी तरह सर्दियों के लिए वो चारों एक साथ काम करने लग गए। भालू ने मधुमक्खी के छत्ते से मधु वाटिका बनाई ताकि वो सर्दियों में चाय पी सके, और भेड़िये ने मछलियां पकड़ी ताकि वो बाद में धूप लगाकर उसे सुखा सके। कीचो, 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 काट रहा है, काट रहा है। ओए मां। अरे बाप रे, ये क्या है? और मुर्गा ठीक से बागीचे की रखवाली करता था। अच्छा साथियों, अपने लिए गाय खरीदने के बारे में क्या सोचा? गाय लेना अच्छा आइडिया है, दूध मिलेगा, मक्खन भी। एक सुझाव है साथियों, हम दूध से मक्खन बना सकते हैं जो सर्दियों में खाएंगे। और उन्होंने गाय खरीदने का फैसला किया। अच्छा तुम खरगोश, जब हम दूर हो तो उदास मत हो जाना। खरगोश घर की देखभाल के लिए पीछे रह गया। अरे ये तो ठीक है। शहद बहुत अच्छे से बिक गया था और उसके बाद उन्होंने मधुमक्खी के 28 छत्ते और बेच दिए थे। हर सुबह भेड़िया और खरगोश गाय को घास के मैदान में लेकर जाया करते थे। हाँ।
उन्होंने दूध से मलाई निकाली और उसे मथ करके मक्खन बनाया। नहीं 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 नहीं। साथियों, ये मक्खन बहुत बेहतरीन है। हम इसे अटारी के लिए संभाल के रखेंगे, तब तक इसे कोई नहीं छुएगा, समझ लो। हम इसे संभाल कर इस्तेमाल करेंगे और इसमें आलू फ्राई करेंगे। क्या हम थोड़ा चख सकते हैं? क्या मैं भी चखूं? जब सर्दी आएगी तब भी हम इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे, तब तक तुम पूछना भी मत। ओ, सही है, नियमों की जरूरत है। शरद ऋतु के अंत तक उन्होंने मक्खन से भरा एक बर्तन तैयार किया। नमस्ते दोस्तों, शुभ संध्या। तुम कहाँ से आई हो बताओ? मैं एक अनाथ लोमड़ी हूँ जो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पास बस एक खाली जगह है। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? अकेले रहना मुश्किल है। हाँ सही कहा, मैं यहाँ 2 सालों से खरगोश के साथ रह रहा हूँ। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? तुम हमारे साथ रह सकती हो लोमड़ी, सामूहिकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। और इस तरह लोमड़ी उनके साथ रहने लगी। उसने बहुत ही मिलनसार और मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और सबको खुश करने की कोशिश की। वहाँ एक भेड़िया आता है और वो तुम्हें तुम्हारे झुंड में खा जाएगा। हमेशा भेड़िये को ही क्यों दोष देना? ओ, बर्फ, लगता है ये सही समय है। अटारी आ गया मक्खन निकालने का वक्त। हमें निश्चित रूप से जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी तो पूरी सर्दी भी नहीं पड़ी, अभी तो बहुत जल्दी है। तो फिर कल का क्या? कल खा सकते हैं क्या? वो तो इसके बारे में कल ही हम सोचेंगे, फिर देखेंगे। इस तरह लोमड़ी को मक्खन के बारे में पता चल जाता है। मक्खन? तुम्हें कोई मक्खन नहीं मिलेगा। अरे क्या अनाथ लोमड़ी घर पर है? हाँ, घर पर है, घर पर वापस जल्द ही आएगी। उसे जन्मदिन की पार्टी में बेंजर्स के पास आने के लिए कहें, बच्चे के लिए नाम भी सोचना। आप निश्चित रहे, जब वो आएगी हम उसे ये बात बता देंगे। सुनो लोमड़ी, कोई तुम्हें यहाँ पर बेजर शावक के नाम से आमंत्रित करने आया था। तो मुझे जाना चाहिए। मैंने उन्हें मक्खन लगाया और उन्हें चकमा दे दिया। लोमड़ी ने एक बड़ा और खोखला पेड़ ढूंढा और उसमें सारा मक्खन छिपा दिया। अच्छा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? मछली का केक खिलाया जिसमें पिघला हुआ मक्खन भरा था। अच्छा, और तुमने उसे क्या नाम दिया? उसका नाम बता। ट्राइमर। अगले दिन फिर से वही हुआ। आज मुझे एक पार्टी में बुलाया गया है। अच्छा, तो इस बार तुमने उन्हें क्या नाम दिया? मीट यू। और तीसरे दिन लोमड़ी ने मक्खन का आखिरी हिस्सा ले लिया। अच्छा, तो आज बच्चे का नाम क्या होगा? और आखिर में असल में सर्दी आ गई। आखिर आज मक्खन खाने का असली वक्त आ ही गया। काफी समय बीत गया। अतीत है, अब सही समय आ चुका है। ए लोमड़ी, जाओ तुम जाकर अटारी से मक्खन ले आओ। ओह क्या? फिर लोमड़ी धूत्र हो गई और चकमा दे गई। ओह, मैं अपने पूरे जीवन में इतना ऊंचा नहीं चढ़ी हूँ। ओह भयानक, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मैं रुक नहीं सकती, मुझे डर है मैं गिर जाऊंगी। ओ, यहाँ तो मक्खन नहीं है। जल्दी ही चोर को ढूंढना जरूरी है और उसे सजा देना भी। अफसोस, मुझे मक्खन चाहिए था। मुझे भी। उस मक्खन चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। हाँ, उसे खोजो और उसे सजा दो। ओ, उसे पकड़ो और सजा दो। हम एक बड़ी आग लगाकर उसके चारों ओर लेट जाएंगे और जिसने भी हमारा मक्खन खाया होगा उसके पेट से गर्मी के कारण थोड़ा मक्खन निकलेगा। क्या सच में पेट से निकलेगा अंडे की तरह? ये क्या हुआ?
जाग जाओ, उसी ने हमारा मक्खन खाया है, ये वही है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये कैसे हुआ? मेरी मदद करो, मैंने हमारा मक्खन नहीं खाया है। कैसे नहीं खाया? कैसे नहीं खाया? फिर ये क्या है? ये है हमारा मक्खन चोर। मैंने मक्खन नहीं खाया, मेरा विश्वास करो दोस्तों। क्या कुछ तो गड़बड़ है। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ है, कुछ भी जांचने की जरूरत नहीं। सभी को दो बार चेक करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से सबको आग के करीब आने कहता हूँ। मैंने नहीं खाया, मैंने हमारा मक्खन नहीं खाया है। चलो भागो। आखिर ये क्या है? मैंने मक्खन नहीं खाया। तुम? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम ही हो जिसने हमारा मक्खन खा लिया? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। कल सुबह दूर हो जाओ भालू, हमारे बाड़े से दूर। हमें यहाँ चोरों की जरूरत नहीं। हमारे बाड़े से दूर निकलो। किस लिए? मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं अपनों के बीच अजनबी क्यों बन गया? चलो। देखो बात कुछ ऐसी है, वहाँ पर ना, चलो चलो दिखाता हूँ। आओ चलो चलो, आ जाओ देखते हैं, चलो है? आओ इस तरफ। चलो चलो जल्दी चलो। चलो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। आदत हो गई हमारा मक्खन चुराने की। हाँ मैं बर्फ साफ करने जा रहा हूँ। चलो हम चलते हैं। लकड़ी काटते। कहाँ? अच्छा कहाँ है? यहाँ मैंने अपना सारा मक्खन छुपाया था। आउच, आउच, आ, 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 दर्द हो रहा है। मत काटो, मुझे माफ कर दो। इस तरह लोमड़ी को सजा मिली धूत्र और लालची होने के कारण। हाल ही के दिनों में शहर में दो तरीके के लोग रहने आया करते थे, एक लूटने वाले और दूसरे लूटने वाले। लेकिन एक जानवर भी रहता था जिसमें लुटेरों का भूत था, और वो निश्चित रूप से एक आदमी नहीं था बल्कि एक जानवर। और वो सारा लूट का माल अपने बोरे में भरकर अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता था। और उसकी एक बीवी भी हुआ करती थी। ये
और फिर वो एक दिन टहलने निकला था और उसने देखा कि कुछ लुटेरे एक गरीब पति पत्नी को लूट रहे थे। वो जोड़ा उसे अपने किसी काम के नहीं लगे तो वो उन्हें वहीं पर छोड़कर चला गया वहां से। पुराने जमाने के लोगों ने उसका पीछा किया और उसे बहुत कृतज्ञता से देखा। उन्हें आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। उन्हें गहरी गुफा में लेकर जाऊंगा और वहीं पर उन्हें छोड़ दूंगा।
उस राक्षस ने उन दोनों बूढ़े लोगों को देखा और उन पर दया की जिनके पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं बचा था। बुक। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। नहीं, फिर से नहीं। मेरी जान। क्या हुआ? हमारे लिए छोटा सा बन बेक कर दो ना, कोलो बॉक्स। कैसे बनाऊं? पिछले कुछ दिन से घर में आटा नहीं है। तुम भी ना। सारे पीपे डब्बे अच्छे से टटोलो ना, मुझे पूरे यकीन है कि तुम्हें आटा जरूर मिल जाएगा। बड़े होशियार हो तुम, अब मैं सारे डब्बे टटोलूं क्या? दादाजी ने जैसा कहा दादी जी ने वैसा ही किया। दादी जी ने कोलो बोक पकाया। अभी तो ये बहुत गर्म है, यहाँ रख के थोड़ा ठंडा करती हूँ। और ये बन गया। ओयो,
कोलोबोक, प्यारे कोलोबोक, कहाँ चले गए? कोलोबोक, कोलोबोक, वापस आ जाओ प्यारे। कोलोबोक, कोलोबोक लुढ़कते लुढ़कते रास्ते से गुजरते हुए बहुत दूर पहुंच गया और एक खरगोश से टकरा गया। अरे तुम कौन हो? और तुम कौन हो? मैं खरगोश हूँ, तुम कौन हो? मैं कोलोबोक। क्या कहा कोलोबोक? मैं यहाँ हूँ। कोलोबोक कोलोबोक, मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। कोलोबोक ठीक है, गाओ। कोलो पर धीमी आवाज में। मैं कोलोबोक, मैं प्यारा कोलोबोक, सुंदर सा है रूप रंग मेरा। आटे से मैं हूँ बना, मलाई से मैं हूँ सना, खिड़की पे बैठ के ठंडा पड़ा, स्वाद में मैं हूँ लजीज बड़ा। दादी से मैं बच के भागा, दादी से मैं बच के भागा, लंबे सिर वाले खरगोश, तुमसे बच भागूंगा मैं, इतना है मुझ में जोश। मुझे पता नहीं चला वो कहाँ गायब हो गया। कोलोबोक लुढ़कता लुढ़कता बहुत दूर चला गया, वहाँ खरगोश ने उसे आखिरी बार देखा था। कोलोबोक लुढ़कता रहा लुढ़कता रहा, और तभी वो एक भेड़िए से जा टकराया। रुक जाओ कोलोबोक, कोलोबोक, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे नहीं, मुझे मत खाना, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। पर मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ। ठीक है, पहले मेरा गाना तो सुन लो। क्या कहा, गाना? सच में? मैं कोलोबोक, मैं प्यारा कोलोबोक, सुंदर सा है रूप रंग मेरा। आटे से मैं हूँ बना, मलाई से मैं हूँ सना, खिड़की पे बैठ के ठंडा पड़ा, स्वाद में मैं हूँ लजीज बड़ा। दादी से मैं बच के भागा, खरगोश से भी मैं बच के भागा। मेरे तुम बात बुरे, क्यों मेरे पीछे पड़े? कोलोबोक फिर से लुढ़कते लुढ़कते भेड़िए से बहुत दूर चला गया। अरे वाह, अद्भुत! कोलोबोक लुढ़कता रहा और फिर कोलोबोक का सामना एक भालू से हुआ। कोलोबोक, कोलोबोक, मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
मुझे खाने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। क्या तुम मेरा गाना सुनना पसंद करोगे? हाँ जरूर, लेकिन ज्यादा देर तक मत गाना। मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं कोलबोक, मैं प्यारा कोलबोक, सुंदर शाही रूप रंग मेरा। आटे से मैं हूँ बना, मलाई से मैं हूँ सना, खिड़की पे बैठ के ठंडा पड़ा। दादी जी से ये बच के भागा, दादी जी से ये बच भागा, खरगोश से भी ये बच भागा, भेड़िए से भी ये बच के भागा। अरे ओ जब रे भालू, अब मैं तुमसे भी बच के भाग जाऊंगा। अरे रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कोलोबोक लुढ़कते लुढ़कते भालू से बहुत दूर आ पहुंचा। सकते हो, है ना? हाँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मेरे लिए और इन गरीब अनाथ बच्चों के लिए एक गाना सुना दो प्लीज। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है, मैं कोलबोक, मैं प्यारा कोलबोक, सुंदर शाही रूप रंग मेरा। आटे से मैं हूँ बना, मलाई से मैं हूँ सना, खिड़की पे बैठ के ठंडा पड़ा। दादी से मैं बच के भागा, दादी से मैं बच के भागा, खरगोश से भी ये बच भागा, भेड़िए से भी ये बच के भागा, से भी तुम बच के भागे। अब मैं तुमसे भी बच के भाग निकलूंगा खूबसूरत लोमड़ी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। पर मैं वास्तव में तुम्हें अच्छी तरह से नहीं सुन सकती। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। आओ मेरी नाक पर बैठो और फिर गाओ। भागो भागो भागो। क्या? मेरी नाक पर बैठो। और अपना गाना दोबारा से गाओ। हाँ, मैं कोलबोक। इससे पहले कि कोलबोक अपना गाना खत्म कर पाता, लोमड़ी ने उसे खा लिया। घर से भागने वाले बच्चों के साथ यही होता है। कहानी खत्म। अब सोने का समय है।
ये तुमने क्या कर दिया, मेरा नया जैकेट तुमने खराब कर दिया, ना समझ डॉगी, निकल जाओ यहां से, जाओ निकल। क्या बकवास है, ये तो बस एक खरगोश। बहुत अच्छे, क्या चारा फंसाया है? तीनों का पेट भरने के लिए ये काफी होगा। शहर वालों के साथ बढ़ते चलते हैं।
कपड़े पर गाड़ी है और इसके अंदर तो चूल्हा भी है। ये मुझे दो, ये भी दे दो। ओहो, ओहो, ये मुझे चाहिए। लाओ ये मुझे दो, दे दो मुझे। ये भी चाहिए। ये दे दो। Oh,
कितना सुंदर है ये मुझे चाहिए, ये तो मुझे सूट भी करेगा। वाह कितना मजेदार जैकेट है, ये काम करो ये जैकेट को तुम मुझे दे दो, दे दो इसे मुझे। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा हुआ इतना लालची गुरु हमें छोड़ के अब चला गया। उसे अब जिंदगी भर ये कोट याद रहेगा।